नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ एंड यू चैनल में। प्रेगनेंसी का तीसरा ट्राइमेस्टर शुरू होता है सातवें महीने से। सातवें, आठवें और नवें महीने को हम कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर अंतिम ट्राइमेस्टर। इस समय पे शिशु का वजन कितना होना चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए और आपका वजन इस समय तक कितना बढ़ जाना चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सातवें महीने में आते आते गर्भ में शिशु अपना विकास बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है। उसके महत्वपूर्ण अंगों का विकास हो चुका होता है, बस उसके फेफड़े और उसके मस्तिष्क का विकास अभी होना बाकी होता है। आपका पेट जो है काफी बाहर आ चुका होता है और आपका जो वजन है वो कम से कम 5 किलो तक बढ़ जाना चाहिए। शिशु की लंबाई इस समय पे 32 से 42 सेंटीमीटर के बीच में हो जाती है और उसका वजन 1050 ग्राम से 1350 ग्राम के बीच में हो जाना चाहिए। प्रेगनेंसी का आठवां महीना, गर्भ में शिशु का विकास अभी भी चल रहा है, उसके ज्यादातर अंग अब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और मस्तिष्क और फेफड़ों का विकास बहुत जोर शोर से चल रहा है। शिशु का वजन बहुत अधिक बढ़ चुका है, ये 2000 से लेके 2400 ग्राम के बीच में हो जाना चाहिए और शिशु की लंबाई 42 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर के बीच में हो जाती है। इस समय तक आपका पेट भी गर्भावस्था के पूर्ण आकार में आ चुका होता है और ये वो समय होता है जब शिशु अपना नीचे पेल्विस में फिक्स कर लेगा। आठवें महीने के अंतिम में या तकरीबन 36 हफ्ते के कंप्लीट होने में शिशु को अपना सर पेल्विस एरिया में फिक्स कर लेना चाहिए, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ सके। प्रेगनेंसी का नवा महीना, शिशु की लंबाई 45 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है और उसका वजन 2500 ग्राम से लेके 3000 ग्राम के बीच में हो जाना चाहिए। ये प्रेगनेंसी का अंतिम महीना है और पूरी प्रेगनेंसी में आपने अभी तक कहीं ना कहीं 12 से लेके 15 किलो वजन अपना बढ़ा लिया होता है और ये बहुत नॉर्मल है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि इसी लिमिट में आपका वजन बढ़ना चाहिए। इससे ज्यादा भी अगर आपका वजन बढ़ता है तो भी कहीं ना कहीं पे सिजेरियन की नौबत आ सकती है, तो आपको अपने वेट का भी खास ख्याल रखना है। जहाँ पे आपको पूर्ण डाइट लेने की आवश्यकता है वहीं पे आपको इस बात का ख्याल भी रखना जरूरी है कि आपका वजन जरूरत से ज्यादा ना बढ़े। बच्चे के संपूर्ण अंग इस समय तक बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे होते हैं, उसके फेफड़े और उसका मस्तिष्क भी अब अच्छी तरीके से अपना काम कर रहा होता है। ये वो समय है जब शिशु अब किसी भी समय पे बाहर आता है तो वो अपनी लाइफ एकदम हष्ट पुष्ट तरीके से जिएगा, उसके अंदर कोई भी शारीरिक मानसिक कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।